हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फाइव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फाइव लगभग हम लोग एंड करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हमें लगता है कि दो से तीन पार्ट और बनेगा और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा 8 से 10 पार्ट में। अगर पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं आप तो जा करके देख लीजिए। पूरा बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक मैंने बताया इसमें, IUPAC से लेकर के हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी पूरा बेसिक से मैंने बताया। 4 पार्ट बन चुके हैं, ये 5th पार्ट है और 2-3 पार्ट और बनेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट। किसी भी पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हाँ, एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में सेटअप कर लो कि 24 तारीख को, यानी 24 को इसी महीने में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि नॉन स्टॉप क्लास चलाने वाले, लाइव क्लास चलाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सुबह 9 बजे से, कितने बजे से, सुबह 9 बजे से 24 तारीख को, 24th of July 2020 को हम लोग 9 बजे सुबह से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी 50, 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, 24 तारीख को जरूर आइएगा 9 बजे, और सबको शेयर भी कर दीजिएगा कि 24 को रियल कॉन्सेप्ट पे कुछ तहलका होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को बेसिकली अब क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में मेनली आपको पढ़ना है मीथेन के बारे में पढ़ना, ठीक है, इथेन के बारे में पढ़ना है आपको, इथाइलिन के बारे में पढ़ना है और एसिटिलीन के बारे में पढ़ना है। यानी 4 कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज मैं एक कंपाउंड क्लियर करा दूंगा, मीथेन, दैट इज मीथेन CH4। आज हम लोग पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारी चीज़ें इस वीडियो में कर लेंगे। फिर अगले बार इथेन के बारे में बता देंगे और एसिटिलीन और इथाइलिन दो बैच बचेंगे, उसको भी ख़त्म करा के 24 तारीख को हम लोग पूरा क्विज करने वाले हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लो 24 तक, 24 तक ख़त्म, क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट, 5th पार्ट, दैट इज मीथेन। मीथेन देखो नाम क्या है, मीथेन, आप देख पा रहे हैं मीथेन, यानी कि ANE लगा हुआ है, तो क्या है ये, एक प्रकार का एल्केन फैमिली से आता है। कहाँ से आएगा, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है CH4। किस फैमिली से बिलोंग करता है, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि CH4 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक कार्बन मिथ और सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन से आएगा, सफिक्स में ANE लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा। यानी हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट एल्केन, क्या है बेटा ये, इट इज़ अ सिंपलेस्ट एल्केन। एल्केन फैमिली का पहला ये मेंबर है, एल्केन फैमिली का पहला मेंबर है मीथेन, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, आपको पता होगा, आपको मैंने बताया भी था, CnH2n+2, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर मार्स गैस क्या होता है, मार्स गैस क्या होता है, मार्स गैस बेटा एक बायोगैस होता है, क्या होता है, मार्स गैस एक बायोगैस होता है, क्या होता है, बायोगैस होता है, ठीक है, जिसमें मेनली मीथेन भी पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, मेनली मीथेन भी पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जिसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं मीथेन के साथ, क्या क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, CO2 होता है मार्स गैस में, और मेनली कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, क्लियर हुआ। चलो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं मार्स गैस किसे कहेंगे, ऑप्शन में मीथेन दिखेगा तो आपको ये डाल देना है, ट्रिक लगा देना है, क्लियर हुआ। चलो हम लोग बातचीत कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
किन किन मेथड से मिथेन को प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं कुछ मेथड को बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। फिर हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो मेथड है लेबोरेटरी मेथड, यानी कि इसको हम लैब में भी बना सकते हैं, इसको हम लैब में बना सकते हैं। किस मेथड से बनाएंगे, लिखा हुआ देखो मैंने पहले लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। क्या लिखा हुआ है, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो हमें मीथेन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, मीथेन मिलता है। देखो ये क्या है हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को हमने क्या किया, सोडा लाइम का मतलब क्या, NaOH प्लस CO, इसको हम मिक्सचर को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मीथेन गैस मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है बेटा, मीथेन गैस मिल जाता है। क्लियर हुआ, पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्यूमिनियम कार्बाइड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्यूमिनियम कार्बाइड, यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया हमारा, जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं यानी इस पे वाटर देते हैं तो क्या होता है, हमारा मीथेन बन जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, किन मेथड से प्रिपेयर किया है तो आपको रिएक्शन अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का रिडक्शन करके, ठीक है, मेथिल आयोडाइड का रिडक्शन करके भी हम मीथेन गैस बना सकते हैं। ये तीसरा मेथड है, ये क्या हमारा मेथिल आयोडाइड, ठीक है, इसका रिडक्शन करके हम लोग क्या मीथेन गैस बना सकते हैं, ठीक है। चौथा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किससे करेंगे, स्टीम से करेंगे। अगला जो मेथड है प्रिपरेशन क्या, वो हमारा नेम रिएक्शन से है, सेवेटियर सेंड्रेंस मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना, क्योंकि एक बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो इसके ये रिएक्शंस होते हैं। तो आपको मतलब बेसिक केमिस्ट्री का पता है ना, बेसिक अगर आप केमिस्ट्री का जानते हैं, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे रिएक्शन बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप जाके देख सकते हैं, तो आप लोगों को रिएक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ आयंस भी याद होने चाहिए, कुछ रेडिकल्स में याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं बेसिक रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट का, आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, मीथेन की प्रॉपर्टी की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखो बेटा प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मीथेन की बात करूँ तो इट इज़ अ कलरलेस, कैसा बेटा, यानी कि इसका कोई कलर वगैरह नहीं होता है, कलर वगैरह नहीं होता है, तो क्या कह सकते हैं, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस, कलरलेस होता है कोई कलर नहीं होता, ओडरलेस यानी कोई गंध वगैरह नहीं होता, गंधहीन होता है, रंगहीन गंधहीन, कलरलेस ओडरलेस एंड टेस्टलेस, यानी कि इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा सकता है बेटा कि आप बताइए जो मीथेन है उसका कलर क्या है, तो ऑप्शन दे देगा रेड येलो ऑरेंज ब्लू कलरलेस, तो क्या बताएंगे, कलरलेस बताएंगे। क्लियर हुआ, ओडरलेस इसका यानी कोई गंध वगैरह भी नहीं होता है, गंधहीन होता है, टेस्टलेस कोई टेस्ट भी नहीं होता है भाई, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज लाइटर देन एयर, इट इज लाइटर देन एयर, यानी कि एयर से हल्की होती है, जो मीथेन गैस होती है बेटा एयर से क्या होती है, हल्की होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज है, एक और लिख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी दिया हुआ बहुत अच्छा है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन, बॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, बट क्या होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यानी बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल, सब क्या हो, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आते हैं,
यानी कि जो मीथेन होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। क्लियर हुआ? चलो और कुछ प्रॉपर्टीज के जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। बर्निंग यानी कि जब मीथेन को जलाएंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जलती कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन NCH4+2O2, तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और H2O मिल रहा है, ठीक है। 2H2O मिलेगा हमें बर्निंग करेंगे तो। एक्शन ऑफ स्टीम यानी कि स्टीम से इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये निकिल कैटलिस्ट लिया हमने तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना। ये आपको रिएक्शन रटने नहीं है, रिएक्शन कभी भी रटने नहीं है, आपको रिएक्शन खुद बनाने हैं, ठीक है। मैंने अभी पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि रिएक्शन को बनाना सीखो पहले, रटोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे, तो रिएक्शन बनाना सीखो। एक्शन ऑफ HNO3 यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे मीथेन का तो क्या होगा, ये मैंने कुछ छोटे से थोड़ा सा क्लू दे दिया है बस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट में बनेगा हमारा, तो ये आप लोग खुद समझो अच्छे से, ठीक। कोई दिक्कत आती है बताना, आप वीडियोज बना दूंगा उस पर। जब मीथेन का रिएक्शन होगा किससे, HNO3 से, तो क्या मिलेगा, CH3NO2+H2O मिलेगा एट 450°C, ठीक है। अब देखो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखो ये डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि मीथेन का रिएक्शन हमने किससे कराया, Cl2 से कराया, किससे कराया, Cl2 से कराया। तो देखो क्या कर रहा है, ये CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, या फिर यहाँ ऐसे समझ लो, जैसे CH4 का रिएक्शन मैंने Cl2 से कराया तो क्या बन जाएगा, HCl, एक यहाँ से HCl निकला और यहाँ से एक H निकला और यहाँ से HCl निकला, HCl बचा और यहाँ पे क्या बचा, एक H निकल गया तो 3 बचा, 3H यानी क्या बच जाएगा, CH3Cl। यानी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से स्टेप मैंने एक ही स्टेप में पूरा लिख दिया है, मतलब कि एक ही लाइन में पूरा मैंने, अलग अलग स्टेप लिखना चाहिए लेकिन मैंने एक ही लाइन में लिख दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यानी CH4 का रिएक्शन एंड करेंगे किस लिए, Cl2 से, तो क्या होगा, एक HCl बन जाएगा, CH3Cl बनेगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 से करेंगे, फिर एक HCl निकल जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 से करेंगे तो एक HCl निकलेगा, CH3Cl निकलेगा। फिर इसका रिएक्शन जो बचा हम लोग Cl2 से करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, HCl बच जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हमें मिल जाएगा। ये क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यूजेज की बात कर लेते, क्योंकि यूजेज से आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। मेनली क्वेश्चन कहाँ से आता है ये समझो, क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से। दूसरी चीज़ इसके यूजेज से, इसका यूज क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर कि इस गैस का यूज कहाँ करते हैं, उस गैस का यूज कहाँ करते हैं। तो पूरा बाकायदे अपने दिमाग में बैठा लो कि कहाँ से कौन से यूजेज हमें पढ़ने हैं, क्योंकि गैसेज अगर आप पढ़ रहे हो ना तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यूज से पूछे जाते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो यूज की बातचीत कर लो सबसे पहले, सबसे पहले तो अच्छा एक फ्यूल होता है, ये यूज्ड एज अ फ्यूल क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है, यूज्ड एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा एक ये फ्यूल होता है, ठीक है। अब फ्यूल है तो इट इज़ यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल है तो इसका यूज कहाँ करेंगे, बहुत जगह करेंगे, लेकिन इसका यूज मेनली कहाँ किया जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम क्या करते हैं, मीथेन को भी यूज करते हैं। फ्यूल है तो कहीं भी यूज करेंगे, लेकिन ये अप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेथाइल एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अभी मैंने रिएक्शन कराया तो आपको मिथाइल एल्कोहल दिख रहा होगा, अभी मैंने रिएक्शन पिछले बार कराया, देखो अभी जा करके तुम्हें मिथाइल एल्कोहल दिख रहा होगा मीथेन के साथ रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए भी मीथेन का यूज किया जाता है, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड को भी बनाने के लिए, मिथाइल क्लोराइड
जैसे ये दिख रहा है आपको कैसे बना, सी एच फोर से ही बना, सी एल टू का रिएक्शन कराने से, मेथिल क्लोराइड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू सैनिटाइज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को सैनिटाइज करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू सैनिटाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि आप लोग 24 तारीख को यानी 24th of July 2020 को सुबह 9 बजे आना ना भूले, लाइव क्लास एकदम फ्रेश जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। 9 बजे बिल्कुल आइए और सब लोग मिलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट एज फील द कॉन्सेप्ट।